कल चंदाना गेट रामलीला ग्राउंड में सायं 3 बजे हरियाणा सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम माननीय दुष्यंत चौटाला जी एक विशाल जनसभा को संबोधन करेंगे। मेरी कुरुक्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के अपील है कि आप कल शाम को 3 बजे रामलीला ग्राउंड चंदाना गेट में पहुंच के अपने नेता के विचार सुने और अपने बेटे पालाराम सैनी को आशीर्वाद दें। जनसभा में कितनी कुछ संख्या रहने वाली है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? लगभग 15 से 20 हज़ार की संख्या रहेगी और नेता जी के हम विचार सुनेंगे। मेरी तो लोगों से यही अपील है कि 4.5 साल में जो अपने दुष्यंत चौटाला जी ने कार्य किए हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और आने वाले जो हमने काम करने हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दुष्यंत चौटाला सबसे बड़े चेहरे हैं हमारे, वो आएंगे हमारे बीच में और लोग उनका संबोधन सुनने के लिए आएंगे। बलराम सैनी जी, लगातार लोगों से आप मिल रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है जज्बा को? लोगों का आशीर्वाद, लोगों का जन समर्थन पालाराम को मिल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कुरुक्षेत्र लोकसभा से चाबी लोग खोलेगी। क्या मुद्दे हैं जजपा के इस बार और पब्लिक क्या फीडबैक दे रही है? अभी हमारा मैनिफेस्टो तैयार होने लग रहा है, तैयार होते ही जब मिल जाएगा तो हम आपके समक्ष रखेंगे उन बातों को। कैथल में जिस तरीके से आपने पिछले दिनों या लगातार कोरोना में भी और अब भी लगातार जो काम करवाए हैं, क्या पब्लिक लगता है कि उस तरीके से वोट बैंक में भी तब्दील होगी? आपके चैनल के माध्यम जनता को बताना चाहता हूँ, मैं जन सेवक हूँ। कोरोना काल के दौरान पहला स्कूल था जिसने 6 महीने की फीस माफ़ की थी। हजारों बच्चों को हमने पढ़ाया है, जिस तरह से हमने बच्चों को पढ़ाया है उसी तरह से हमें जन समर्थन मिल रहा है। जनता हमें पूरा आशीर्वाद दे रही है और जनता पे हमें पूरा विश्वास है। जी, कल प्रेस वार्ता की है, साफ तौर पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि वो बिना पूछे ही हमारे नाम दे रहे हैं। 5ों जो नगर पार्षद हैं मेरे छोटे भाई हैं, मैंने ये कहा था कि जब दुष्यंत चौटाला जी कैथल आए थे तो मैंने सामाजिक प्रोग्राम किया था, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई थी। 5ों पार्षदों ने अपने भाई के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया था, तो उन भाइयों का मैंने उस टाइम भी धन्यवाद किया था। मैं आज भी अपने 500 भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। मैंने ये बात बोली थी कि 5ों पार्षद उस टाइम मेरे साथ थे और सैनी समाज तो सारा का सारा पालाराम सैनी को आशीर्वाद दे रहा है। तो क्या 500 पार्षद से आपकी दोबारा बातचीत हुई? 500 पार्षद मेरे छोटे भाई हैं, मैं उन सबको मनाऊंगा और उनका जो निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा। उन्होंने तो कल प्रेस वार्ता में एक तरीके से भाजपा को समर्थन करने का भी ऐलान किया है। देखो, ऐसा है, वो तो अपनी आदमी अपना खुद विवेक का, अपनी बुद्धि का काम करता है, बट मुझे पूरा विश्वास है कि सैनी समाज, कुरुक्षेत्र का सैनी समाज पालाराम सैनी को समर्थन देगा, उसे आशीर्वाद देगा। क्या कुछ मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहा है? जनता के बीच में, जैसे हमारा महाभारत की धरती है, 48 कोस की परिधि के अंदर जितने भी मान लो कुंड आते हैं या धार्मिक तीर्थ आते हैं, बहुत से तीर्थ ऐसे हैं कुरुक्षेत्र के आसपास को छोड़ के। आउटर हम जाएँ तो सजुमा गाँव की बात करूँ, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा तीर्थ है। गाँव गुणा के अंदर बहुत बड़ा तीर्थ है, गाँव शांगण के अंदर एक बहुत बड़ा तीर्थ है, क्योड़क के अंदर तीर्थ है, सीवन के अंदर तीर्थ है, जिनकी आज कोई भी शुद्ध लेने वाला नहीं है। अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है तो इन सभी जितने भी तीर्थ स्थान हैं इनके ऊपर हम काम करेंगे, इनका हम जीर्णोद्वार कराएंगे। ₹21 लाख दुष्यंत चौटाला जी दे गए थे पहले, तो कभी भी किसी बात का कहने से पहले हमें पता होना चाहिए। आप सभी पत्रकार वहाँ मौजूद थे, ₹21 लाख दुष्यंत चौटाला जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले लाइब्रेरी के लिए दिए थे। वो लाइब्रेरी के पैसे हैं, यानी कि वो किसी और दूसरे के पैसे नहीं है, महात्मा ज्योतिबा फुले लाइब्रेरी के लिए पैसे हैं वो। तो हिसाब किताब की बात कर रहे हैं तो आप भी कुछ इनसे हिसाब किताब मांगेंगे? नहीं नहीं, मैं तो क्यों मांगूंगा, मेरे दोनों तीनों चारों पाँचों छोटे भाई हैं मेरे, वो मेरे से हिसाब मांग सकते हैं, मेरा समाज मेरे से हिसाब मांग सकते हैं, मेरे बड़े हैं मेरे से हिसाब मांग सकते हैं, मुझे कोई इस बात से कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, वो तो देखो उस दिन की वाइट कार्ड के देखना आप लोग, वो सैनी भवन के लिए आए हैं या महात्मा ज्योतिबा फुले लाइब्रेरी के लिए आए हैं? लाइब्रेरी कहाँ बनाई जा रही है? महात्मा ज्योतिबा फुले भवन के लिए पैसे आए थे, भवन के अंदर हमने लाइब्रेरी का निर्माण करना है, हम उन पैसों से अपना भवन का निर्माण करेंगे। पालाराम सैनी जी, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि सैनी समाज आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहा है, जबकि राजकुमार सैनी हो या फिर कैलाशो सैनी हो, उन्होंने जो इंडिया गठबंधन के साझले प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता को समर्थन देने का ऐलान किया है।
देखो ऐसा है, आदमी का स्वतंत्र है, खुद किसी को भी समर्थन करे किसी को ना करे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कुरुक्षेत्र का जो सैनिक समाज है, कुरुक्षेत्र का सैनिक समाज अपने बेटे को अपने भाई को समर्थन दे रहा है। मैं सैनिक समाज की भी कहाँ बात करूँगा, 36 बिरादरी से कोई भी नेता बनता है, गांव का जो सरपंच है ना वो भी एक कास्ट से नहीं बनता, 36 बिरादरी जब समर्थन करती है तब बनता है। अब जैसे मैंने शिक्षा की बात करी है, मैंने 36 बिरादरी के बच्चों को शिक्षा दी है और 36 बिरादरी पालाराम सैनी को आशीर्वाद दे रही है। जितने मेरे साथ सैनी हैं उनसे कहीं दूसरे लोग ज़्यादा मेरे को समर्थन दे रही हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा ये था, कल हमारे जो पूर्व में डिप्टी सीएम रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी, कल वो कैथल के चंदाना गेट रामलीला ग्राउंड में पहुँच रहे हैं और मेरी आप लोगों के चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के अपील है कुरुक्षेत्र जनता, कुरुक्षेत्र की लोकसभा की जनता को कि वो आके नेता के विचार सुने और अपने बेटे पालाराम सैनी को आशीर्वाद दें। गाँव के बजाय शहर में भी जा रहे हैं आप? हम लोग गांव में भी जा रहे हैं, शहर में भी हमने वार्ड कवर किए हैं और शहर में भी हमारे कल दो प्रोग्राम थे और वार्डों में भी हम जा रहे हैं, गांव के अंदर भी जा रहे हैं, हम हर जगह संपर्क साध रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी किस समय आने वाले हैं? कल दुष्यंत चौटाला जी राइट 4 बजे रामलीला ग्राउंड में होंगे।